मजहब की बुनियाद पर खड़े पर्सनल लॉ के दिन पूरे होने वाले हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में लागू होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी मांग भी पुरानी है और विरोध भी पुराना है। इस पर सवाल भी पुराने हैं और सवालों पर बवाल भी बहुत पुराने हैं। इनके नए सिरे से सुर्खियों में आने की वजह है उत्तराखंड। खबर है कि उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने इसे लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसी साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में धामी सरकार इसे राज्य में लागू भी करा देगी। उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो भी जाती है तो ये उत्तराखंड राज्य के हर खासो आम की जिंदगी पर कैसे असर डालेगा। यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले, हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून, जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी, बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। उत्तराखंड के अलावा बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी पर तेजी से काम जारी है। गुजरात विधानसभा ने यूसीसी का प्रस्ताव पारित कर दिया है, साथ ही इस पर आयोग का गठन भी कर दिया है। फरवरी महीने में असम विधानसभा में भी यूसीसी ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में भी जल्द आयोग के गठन की बात है। राजस्थान में यूसीसी पर बिल लाने पर विचार किया जा रहा है और गोवा में तो यूसीसी 1961 से लागू है। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का नोटिफिकेशन इसी साल के 13 मार्च को जारी किया था। यूसीसी को देश में लागू करने के लिए बीजेपी के अलावा शिवसेना के दोनों गुट, नीतीश कुमार की जेडीयू और विपक्षी खेमे से आम आदमी पार्टी इसके पूरे समर्थन में है, तो ओबीसी की पार्टी AIMIM यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में है। सवाल ये है कि जब देश में सभी धर्मों को एक बराबर माना जाता है तो फिर उनके लिए अलग अलग कानून क्यों? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.